कुछ भी उनको याद होगा, तो मैं अपने ब्रह्मलीन पिताजी को भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगी। और उन्होंने मुझे बचपन में हम पांचों भाई बहनों को सिखाया था कि बेटा कितनी भाषाएं सीख लो लेकिन अपनी भाषा को मान देना कभी मत भूलना। और उन्होंने सिखाया था कि बेटा कहीं भी जाओ लेकिन अपना सिग्नेचर अपना हस्ताक्षर हिंदी में करना। और मैं सभी महानुभावों से आग्रह करूँ कि अपने बच्चों को सिखाएं कि अपना हस्ताक्षर कम से कम हिंदी में करें। हमारी पहचान बनी रहे, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदी हैं, हम हिंदी जानते हैं। तो आज मेरी छोटी सी कविता है, हाँ मैं हिंदी हूँ, सरल सरस प्रेम से पड़ी मधुरस छलकाती करुणा बरसाती मन से मन की तार मिलाती, लेकिन फिर भी क्यों हो गई विरक्त मुझसे ये न मैं समझ पाती। नहीं है डाक मुझे अपनी बहनों से, करती हूँ मैं सम्मान सभी का, लेकिन फिर भी अपने ही देश में नहीं मंजूर मुझे अपना स्वयं का। सीखो भाषाएं अनगिनत तुम, सीखो भाषाएं अनगिनत तुम, पर न करो अनदेखी मेरी, तड़पती है आत्मा तब मेरी, तड़पती है आत्मा तब मेरी। जब बड़े गर्व से कह देते हो तुम क्या करें, बच्चे तो हिंदी बिल्कुल पढ़ना ही नहीं चाहते। तो कितना निष्ठुर है ये वक्तव्य, मातृभाषा से कितना लगाओ। गर्व होता है मुझे, हाँ गर्व होता है मुझे जब तुम बोलते हो अंग्रेजी धरा रवा, लेकिन आह निकलती है दिल से जब कह देते हो हिंदी मेरी उतनी अच्छी नहीं। मात्र 14 सितंबर और 10 जनवरी ना आए मेरे लिए भ्रम, है गुजारिश, है मेरी गुजारिश आप सभी से, करो कुछ ऐसा कि हर दिन मेरे लिए बना रहे हम। आज विश्व हिंदी दिवस पर दे दो मुझे वचन, आज हिंदी दिवस पर मुझे दे दो वचन, अंग्रेजी के संग संग करोगे मुझे भी तुम नमन। धन्यवाद।